हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अवनी सर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 में पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर आया था उसको हम क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन के डिस्कस करेंगे और प्रॉपर रीज़न कि ये पर्टिकुलर आंसर इस क्वेश्चन का क्यों होगा वो आपको देखने को और पढ़ने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। सामने आपके आंसर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ, क्योंकि अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी सीटेट या यूपी टेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन के आए हैं वो मैं सारे पेपर्स डिस्कस करने कराने वाला हूं 2018 से लेके 2000 लास्ट, मतलब पीछे की तरफ चले तो 2011 तक के, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि सीटेट हो या यूपी टेट हो या कोई अन्य स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, पर्यावरण अध्ययन के जो है क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो रिपीट नहीं होते उनसे हमें ये पता लगता है कि हमें किस टॉपिक में से, किस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता लग जाते हैं, और वहाँ वापस आप अपने नोटबुक में जाके या किसी बुक से रेफर करके उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए, और ऑप्शन भी, इससे आपको फायदा होगा जो लोग हिंदी और या इंग्लिश मीडियम दोनों से हैं, ठीक है। तो मतलब पूछा गया है कि बिहार, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए इधर बिहार है, मैप में देखें तो इधर जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है, इधर यूपी और फिर इधर उत्तराखंड, इस तरीके चलता है हिमाचल प्रदेश है। तो ये अगर हम सेंटर पॉइंट माने तो इससे हम अगर ड्रॉ करें डायरेक्शंस को, तो आपके पास ये पता है ये है ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है हमारे पास, ये नॉर्थ है। तो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो नॉर्थ वेस्ट की है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें पूछा गया था जम्मू कश्मीर और गोवा की, तो जम्मू कश्मीर की तो आपको पड़ेगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये आ गया, और गोवा जो है नीचे की तरफ है, ठीक है, इधर, तो ये आएगा आपका साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर तथा गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। मैप में आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल दी प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन बी स्लोएस्ट, यानी किस परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर कम रहेगी। इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, यानी किस स्पीड से जो है पानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो किस स्थिति में भाप बन के उड़ने का जो रेट रहेगा वो कम रहेगा। पहला ऑप्शन है बोथ सर्फेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी, ठीक है, धीमी पूछी है उसने, याद रखना है धीमी। तो इसमें तो यह है कि अगर सतह क्षेत्र बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें ग्रोथ होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसने पूछा है कब स्लो होगी, ऑप्शन नंबर टू है सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, बढ़ता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है सरफेस एरिया डिक्रीजेस बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सरफेस एरिया तो भले डिक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो रेट तो बढ़ेगा, और लास्ट जो स्टेज है वो है बहुत सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो जब सरफेस एरिया घट जाएगा, ठीक है, जैसे मान लिया कोई पानी है आपने प्लेट में रख रखा है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा है इतनी दूर पे, ठीक है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर उसको इवेपोरेट कर देगा। लेकिन अगर वही पानी अगर आप एक पतली नली में या एक ग्लास में रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर भी कम है तो वो इवेपोरेट कम होगा। तो साफ साफ सा पता चल रहा है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तभी जो है रेट जो है एवेपोरेशन का वो कम होगा, यानी कम उड़ेगा पानी, ठीक है। तो ये आपके सामने है, आप इसको पोज करके और अच्छे से आंसर विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया, और भी अच्छे से आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेज डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन इज, यानी स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्शनल स्किल, दिशात्मक कौशल, दूसरा ऑप्शन है मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल, पोजिशनल स्किल, स्थितीय कौशल, और ये ग्राफिक स्किल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं आगे, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन भी देखने हैं, इसलिए हमें ये सब, इसे थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता है वो चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल कहलाती है, चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड सर्कुलर एरिया एट द प्राइमरी लेवल। किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स, ये था NCF 1975,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पार्टी चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रीजन हैज़ दी प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, इसे हम झूम कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, झूम खेती किसे कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी उपजाऊ क्षमता जो है बनी रहे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है, या स्थानांतरित खेती होती है, कई नामों से ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स, यानी नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर ऑन एयर, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफ लाइन्स, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है। तो देखिए आपको रीजन भी मिल रहा है क्वेश्चन का और बड़े सटीक ढंग से मिल रहा है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठनी ही बैठनी है ऑप्शन, ठीक है, जिसमें उसमें प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं, बांधों एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव दीर्घकालिक रूप से प्रकट होते हैं। तो आपको इसका आंसर विद रीजन मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, ये फैसिलिटी आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन आदि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा बहुत डाउट आपको ये हो सकता था कि वाटर वेपर, ठीक है, तो वाटर वेपर भी क्योंकि टेम्परेचर को ट्रैप करने का, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी एक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया आर नॉट इफेक्टेड बाई दी मानसून, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो इसका पहले तो हम देख लेते हैं कि कोल्ड मानसून क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं सीधे। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में होते हैं। तो कोल्ड जो रेगिस्तान का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जो हिमालय के उधर हैं और इसलिए बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि हिमालय से टकरा के मानसून इधर लौटता है, ये उधर नहीं जा पाता, इसलिए वहाँ पर जो है बारिश नहीं हो पाती है। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान जो हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में है यानी छाया में जो होते हैं, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, तो इसलिए ये ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि में होने के कारण ये मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, तो ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है धीरे धीरे दिन ब दिन, उसका कारण क्या है। उसका कारण है ताजमहल के आसपास स्थित रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रियों जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी आदि के कारण वातावरण में विषैली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो मेन इंपॉर्टेंट जो है येलोइश जो कलर होता जा रहा है वो सल्फर SO2 कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है, ठीक है। तो ये H2SO4 जो है कारण है उसके पीलापी का यानी पीलेपन के कारण का, ठीक है। वर्षा होने पर यह गैस जो है से सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है, मिलकर अम्लीय वर्षा करती है और धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा करने के कारण, अम्लीय वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट दी गोलकुंडा फोर्ट, तो गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया था, ये सीटेट में पूछा गया। देखिए पर्यावरण का क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, और ये जनरली अगर आप देखो तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो फिर भी लेकिन देखते हैं कि गोलकुंडा का किला किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए, गोलकुंडा या गोलकुंडा किला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग है तथा
ध्वस्त नगर है जिसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में कुतुब शाही राज्य हीरे जवाहरात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इस किले का नाम तेलुगु शब्द गोल्ला कोंडा के नाम से रखा गया था। इस किले के दक्षिणी भाग में मूसा नदी बहती है। तो कई सारे क्वेश्चन और नए आपको इसके मिल गए इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ 3 ml? 50 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml घनत्व 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में रिलेशन क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ हमें डेंसिटी दे रखी है कितना, 15 ग्राम पर ml, तो वो रखेंगे आयतन की जगह, और यहाँ घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 3, तो ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे 45 ग्राम आ जाएगा इसका। तो सिंपल सा एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन पर्यावरण में पूछा गया। देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन सीटेट वाले पूछ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदलता है यूपी टेट का या अन्य स्टेट का भी, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ठीक है, सीटेट की, तो इस तरह के क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, देखिए फिजिक्स साइंस आ रही है इसमें, और साइंस पर्यावरण यानी सब कुछ समाये हुए अपने अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जिसमें डायरेक्शन को हम यूज़ नहीं करते हैं? तो मास, ग्रेविटी, मोमेंटम, भार, ठीक है। तो जिन राशियों में मात्रा, पहले जान लेते हैं कौन सी होती है, जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होती हैं वे सदिश राशि, ठीक है, कहलाती हैं, यानी वैक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे वेग, ठीक है, स्पीड, फोर्स, ठीक है, और यह है हमारा इम्पैक्ट, संवेग जिसे कहते हैं, ठीक है। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड होता है सिर्फ, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उन्हें अदिश राशि, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे चाल है, चाल, किसी चाल से चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं हमें नहीं पता, द्रव्यमान है, ठीक है, मास, एम डब्ल्यू नहीं, मास, द्रव्यमान, ठीक है, और दूरी, ठीक है, दूरी 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इससे क्या पता चल रहा है किस, लेकिन वेग, वेग होता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, संवेग भी, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, वो निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है, अपारदर्शी कहलाती है, जिसके अंदर से कुछ ना गुजरे, ठीक है। तो इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 किलोग्राम ऑन द मून सरफेस, यानी चंद्रमा की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा यदि जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो यानी द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, तो इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन, देखिए 2-3-4 कुछ पूछ लिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए मास जो होता है वो कहीं भी बदलता नहीं है, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, आपका मास जिसे हम एक लोकल लैंग्वेज में गुदा कहते हैं, ठीक है, तो वो मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जी, ठीक है, उस जिसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू 9.8 होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कॉन्स्टेंट है और मास ये भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, बस ये है कि अर्थ के लिए जो है ये जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, तो ये बात आप समझ लिए, और मून के लिए 10 होती है। तो अगर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बदलता है विद अगर चेंज होता है कोई प्लेनेट पे, आप कहाँ जा रहे हो किस, ठीक है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होती है, तो जी की वैल्यू चेंज होने के कारण वेट चेंज होता है, लेकिन मास जो है वही रहता है। तो हमें वेट ऑन अर्थ निकालना है, ठीक है, अर्थ पर वेट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑन अर्थ इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और मास ऑन अर्थ या मास ऑन मून सेम रहने वाला है, मास ऑन मून है, ठीक है, द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है, तो अर्थ पे भी जो मास है वो इतना ही रहने वाला है, तो वेट होगा 10 इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, एक विलय का विघटन दर पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, सरफेस पर या वेट पर, ठीक है। तो यह है किसी विलय की विघटन दर जो है उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो सरफेस एरिया पर, ठीक है, निर्भर करती है कि जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो यानी जिसको घोलना है, सोचिए
कि चीनी है, अगर चीनी का एक बारीक कण, चीनी के बहुत सारे बारीक कण होंगे, ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए घुलने में टाइम लगेगा। अगर किसी जैसे कोई चीनी का दाना होता है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप में ना हो के एक रेक्टेंगुलर, एक बहुत क्यूबॉइडल शेप में हो, जिसकी हाइट बहुत कम हो, तो सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा ना, तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, तो जो है डिसोल्यूशन जल्दी होगा, ठीक है, विघटन दर तेज होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू डू सो। यानी सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बना जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो फ्रेंड्स, कक्षा में बहस आयोजित करें, समूह चर्चा करें, पोस्टर बनाइए, बच्चों को एक पौधे का अपनाने का और पोषित करने में मदद करना। तो फ्रेंड्स, यही सही ऑप्शन होगा कि उसको करके देखने के लिए करें, तो बच्चा मोटिवेट होगा, जब वो एक पौधे की रक्षा करेगा तो उसके अंदर फीलिंग आएगी, ठीक है, और उसकी केयर ज़्यादा तरीके से कर पाएगा, संवेदनशीलता उसके अंदर फीलिंग होगी। अगर पेड़ मुरझा जाता है तो उसे दुख होगा, अगर वो पानी दे के अच्छा ग्रो करता है तो उस, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनसे पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, रिलेवेंट नहीं है। तो वह कह रहा है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाए, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है उसको देखते हैं। अभय के द्वारा छात्रों से उनके पड़ोस में रहने वाले बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने को कहा गया, परंतु पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का जिक्र नहीं किया गया, जिससे छात्रों को तो बीमारियों से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई तथा डाटा हैंडलिंग एवं वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, परंतु समुदाय का उन बीमारियों को समझने में मदद नहीं मिली जिससे वे पीड़ित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, नहीं तो। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा की। एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण ऑप्शन नंबर टू है, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण। प्रिया ने आपातकालीन घटनाओं और उनके प्रति बच्चों के अनुभव जानने, साथ ही उन्हें ऐसी परिस्थिति से निपटने या सावधानी बरतने हेतु सड़क सुरक्षा, आग, बिजली के झटके एवं अन्य ऐसी परिस्थितियों के प्रति उठाए जाने वाले कदमों को बताने हेतु विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया। प्रिया द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे उपयुक्त यह दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण, इंक्वायरी अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, पहला, यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य निम्न में से क्या है? तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं की पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना से कोई खास बात नहीं है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम से बाहर आना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना, ठीक है, यह पाठ्य चर्चा से बाहर आना, यह है पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना, अर्थात पाठ्य पुस्तकों से बाहर आ जाना है। सेल्फ एक्सप्लेन्ड आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पढ़ के आपको आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा तीन के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा, दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो यह एक विस्तारिक परिवार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगर ऐसा होता तो रमा द्वारा कक्षा तीन के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व पारिवारिक रिश्तों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए।
तत्पश्चाती छात्रों का परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें कि जो कि रमा द्वारा नहीं किया गया था। यह शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ है, कौन सी? ठीक है, नेक्स्ट आंसर है चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण करना, श्यामपट का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप जा रहे हो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में, चित्र खींचना, भ्रमण करना, श्यामपट का प्रयोग करना, खेल खिलाना आदि कक्षा आधारित गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली तथा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 23 है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत समावेशी विषयगत उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर है। इन तीनों को ही अगर संभाल लिया जाए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत समावेशी और विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है, साथ ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संबंध में पूरक का कार्य भी करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरो का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन जो है वो यह है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरो के लिए, क्योंकि बच्चों को इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, कि पशुपालन आजीविका का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे आंसर है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना और साथ ही सपेरों का सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यालय में मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना है, साथ ही इससे बच्चों में सामूहिक भावना का विकास तथा उनको स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में जागरूकता का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इंप्लाई, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? स्कूल बैग का कम वजन होना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवबोध का भार कम करने की। लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूज, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य बच्चों पर अबोध गम्यता के भार को कम करना है। सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति ने उठाया था, इससे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। व्हाट पर्पज डस ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड ये समूह में सीखना अपने आप में एक टॉपिक है, इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा। नीचे है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचार के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रियता से भाग लेने में और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला, BALA का पूरा नाम क्या है? ब्रेन एडेड लर्निंग असिस्टेंट, मस्तिष्क सहायता प्रदान अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है बाला की, बिल्डिंग एज लर्निंग एड का संक्षिप्त रूप है बाला। समग्र रूप से स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, के रूप में करने का एक माध्यम है। इसमें विशेषता जरूरत वाले बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल मित्रता, समावेशी शिक्षा के विचारों को शामिल किया जाता है। बाला का उद्देश्य बाल विकास के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सीखने और मनोरंजन पर आधारित भौतिक वातावरण का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है
वे विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, ये प्रचलित सिद्धांतों या मान्यताओं से अलग सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कहने गया है कि अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक यानी सिर्फ किताबी ज्ञान से बढ़कर आगे बढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उदाहरण देके, ठीक है, जैसे भ्रमण करते हैं तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी जो ज्ञान है ये सीखना है, ठीक है, ये वैकल्पिक ढांचा है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से लिखकर पढ़कर रटकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वुमेन आर वीकर देन मैन, मैन होना चाहिए था, अमीर रखा, या वुमेन आर वीकर देन मी, इट इज़ ए, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह है एक क्या है, ये रूढ़िवादिता सोच है, ठीक है, रूढ़िवादी सोच है, ठीक है, तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक रूढ़िवाद धारणा है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सी टेट 2018 में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात यह है ये आपको बता रहे हैं कि देखिए सी टेट का पैटर्न धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनको आपको समझना है और इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो इस बार का पेपर जो दिसंबर में होने वाला है सी टेट 2019 में, तो उसमें आप अपेक्षा कर सकते हो साइंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री से भी यानी जनरल नॉलेज से भी पूछा जा सकता है। तो आप संभल के रहिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए, आपके मार्क्स अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं, बने रहिए हमारे साथ चैनल पर, लगातार आपको हर साल के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करके बताऊंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।